नमस्कार, मैं हूं क्राम सोलंकी। आप देख रहे हैं निमाड़ का दबंग न्यूज़। खरगोन जिले के टांडा बरोड़ क्षेत्र में बरोड़ फाटे से लेकर बलवाड़ी तक डामरीकृत होने वाले मार्ग में कई पुल पुलियों का निर्माण भी किया गया है। पुलिया बनाने वाले ठेकेदार की मनमर्जी के चलते विगत 1.5-2 वर्ष से पुलियाएँ अधूरी पड़ी हुई हैं। ग्राम सिंखेड़ा मार्ग पर 2 पुलिया भी एक लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं, जहाँ जिला मुख्यालय खरगोन जाने हेतु आसपास के 40 से अधिक गाँव के लोग इस मार्ग से गुजरते हैं। गत वर्ष भी बारिश में लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ी थी, फिर बारिश का समय करीब आ गया है। बारिश को अभी 1-1.5 माह बचे हैं, परंतु अभी तक पुलिया निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसमें ठेकेदार की सीधी लापरवाही दर्शा रही है। अब ग्रामीणों को आने वाले कल की चिंता सताने लगी है। वहीं कृषक में भी रोष बना हुआ है। पुलिया न बनने के कारण क्षेत्र के रहवासियों का संपर्क जिला मुख्यालय खरगोन से टूट सा गया है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ठेकेदार व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण पुलिया का निर्माण अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। पुलिया का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने की मांग भी की है। इधर ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए विधायक केदार डावर से जब हमारे प्रतिनिधि ने संपर्क साधा और इस बात से अवगत कराया, तो उन्होंने उसी समय प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के महाप्रबंधक को दूरभाष पर बात की और पुलिया के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। टांडा बरोड से जाकिर शेख की रिपोर्ट। ये कि पुलिया निर्माण विगत कई दिनों से चल रहा है और अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? मैं ग्राम टांडा बरोड का निवासी हूँ और हमारे वाहन जो आते हैं कृषि की फसलें लेके वो निकालने में बहुत तकलीफ पड़ा है। गत 2-3 वर्षों से बहुत तकलीफ पड़ा हुआ है। कोई ठेकेदार भी ध्यान नहीं देते, कोई अधिकारी भी ध्यान नहीं देते, और बड़े बड़े अधिकारियों से पूछना तो वो आश्वासन देके उसको रफा दफा करने वाली बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलेश गुप्ता, टांडा बरूर। पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है विगत 1 वर्ष से, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अरे सर, ये तकलीफ बहुत पड़ती है। साल भर होने को आ गया है, हाँ। मगर ये बनना नहीं अभी तक। तकलीफ इतनी पड़ रही है कि मेरी अभी घरवाली गया था तो हम गिर गए। इस संबंध में कोई पुल बनाने वाला ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नहीं, नहीं ध्यान दे रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद भाई है। कई दिनों से पुलिया अधूरा पड़ा हुआ है, हाँ, पड़ा इस संबंध में क्या कहेंगे आप? आने जाने में तकलीफ हो रही है। पिछली बारिश में भी लोगों को क्या इसमें निकलने में बहुत तकलीफ पड़ी थी। पूरा जाम हो जाता था, नदी नाले आते थे, आने जाने का रास्ता था नहीं, और अभी भी कई समस्या, भरे हुए वाहन नहीं निकलते यहाँ से। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। ये बरूर पुलिया विगत 2 वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है, इस संबंध में क्या कहेंगे सर? ये बरूर फाटे से जो रोड जा रहा है, बरूर होके आगे हमारा कोठा और मोहना के लिए, उस रास्ते पर सिंखेड़ा में जो पुलिया का निर्माण है, काफ़ी लंबे समय से, पिछले साल से लंबित है, और बरसात से पहले उसको पूरा कराने के लिए मेरी प्रधानमंत्री सड़क के MD और संबंधित एजेंसी से बात हो रही है, और उसको वाकई वो लगभग 20 गांव के लोगों का रास्ता है, और पिछले साल काफ़ी तकलीफें उठाई है। CM हेल्पलाइन तक लोगों ने शिकायत करी, उसके बावजूद रास्ता नहीं सुधरा है। उसको ठीक कराने का पूरा प्रयास किया।